वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का जो अभी हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आप घर बैठे हैं, आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया पर वेबसाइट्स हैं, आपको इंटरनेट पे हर तरह के जो लोग हैं वो मिल जाते हैं, जिन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, पूरी वेबसाइट्स हैं जो चल रही हैं। और शॉपिंग ई कॉमर्स क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बाकी बिलाल जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना सोशल मीडिया और जो ई कॉमर्स है, ये है क्या बेसिकली, डिफाइन करें। ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो बिजनेस आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं उस बिजनेस को ई कॉमर्स कहते हैं या ई बिजनेस कहते हैं। और पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बड़ी तेजी से फैल रहा है, और खासतौर पर जब से 3G 4G और LTE आया है उसके बाद तो हर हमारी, क्योंकि यूथ तकरीबन हम 60% बिलो 30 हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की सोसाइटी में खास तौर पे इसका बड़ा पोटेंशियल है, और लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। और जो बेसिक जो काम करने वाला है लोगों का वो ये है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी में आसानी लेके आती है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब हम नहीं करते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जो करने वाली बात है वो ये है कि तमाम जो हमारा ट्रेड का या हमारा बिजनेस का जो तबका है उसको अपने आप को डिजिटली लेके आना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए, और उससे आसानी पैदा होगी। जैसे आपको अगर एक लॉन का सूट लेना है प्रिंट का, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि आप ब्रांड पे जाएंगी, अपना गाड़ी आप लेके जाएंगी, ये सबसे कीमती चीज़, अपना टाइम वेस्ट करेंगी, और वहाँ पर जाके फिर आप अपना फ्यूल भी ज़ाया करेंगी, फिर आप जाके जिस आउटलेट में जाएंगी वहाँ पर बिजली चल रही होगी, AC चल रहे होंगे, वहाँ पे आप जाके चूज करेंगी और आप खरीदेंगी चीज। दूसरा आपके पास वे है जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है, वो ये है कि आप ऑनलाइन जाएंगी, अपना मोबाइल खोलेंगी और वहाँ पे आप कंपैरिजन भी देखेंगी कि इस ब्रांड का सूट इसी तरह का इतने का है और ये सूट इतने का है, फिर आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर लेंगी घर बैठे हुए। तो आपका ना सिर्फ फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में भी, अगर हम ओवरऑल मुल्की इकोनॉमी की बात करें तो जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा फ्यूल की शक्ल में चला जाता है और हम बिजली की शक्ल में जो हम वेस्टेज कर रहे हैं, तो हम तो सोच रहे होते हैं कि वो सिर्फ हमारा नुकसान है, वो ओवरऑल एक इकॉनमी का नुकसान है। ठीक हो गया। तो डिजिटली जो हमने अपने आप को शिफ्ट करना है उससे ना सिर्फ आसानी पैदा होगी बल्कि बचत भी होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात कीजिए ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग कितनी सेफ है? सेफ देखें, इस पे जो सबसे अच्छा काम गवर्नमेंट को करना चाहिए तो वो फिनटेक है, फिनटेक फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम हुआ, हमारे यूथ भी जो स्टार्टअप्स में अपने काम स्टार्ट नहीं कर सके, अगर आप दूसरे मगरबी ममालिक में जाएं तो वहाँ आप घर बैठे आराम से काम कर लेते हैं, आप इधर से कोई चीज़ परचेज करते हैं और आप किसी स्टोर में लगा देते हैं और वहाँ से ऑनलाइन आप सेल परचेज करते हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड हम लाने में बहुत हमने देर कर दी, और वो इतनी देर कर दी कि अभी भी अगर कोई बच्चा घर बैठे कोई अपनी शॉप बनाता है, मतलब मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर मुझे एक मोबाइल शॉप बनानी है और मैंने जाके एक प्लाजा में शॉप लेनी है और उसका मैंने रेंट देना है और उसका मैंने एडवांस देना है और वो सारी चीज़ें करनी है, इंटीरियर करना है, तो मुझे एक बड़ी अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत है, और वहाँ पर मुझे सेल करना है मोबाइल फ़ोन, उसकी निस्बत मैं एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाता हूँ या अपनी मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ या मार्केट में चला जाता हूँ, उस मार्केट के अंदर मैं अपनी शॉप बनाता हूँ, तो मुझे ये सारा जो बहुत बड़ा मुझे कैपिटल चाहिए उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सपर्टीज की ज़रूरत है जो मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा कि वो मोबाइल जो मैंने 10,000 रुपये मार्जिन पर बेचना था वो शायद 100 रुपये मार्जिन पर भी बेच दूंगा। तो उससे ये है कि एक तो मार्केट में लोगों को सस्ती चीज़ भी मिलती है, दूसरा ये है कि आप आसानी से ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो हर्डल सबसे बड़ी फेस करनी पड़ी यूथ को और उन लोगों को जो स्टार्ट करना चाहते थे ये बिजनेस, वो ये थी कि हमारे पास पेपॉल और वो सिस्टम नहीं थे, वो कस्टोडियन नहीं था जो बायर और सेलर के दरमियान में होता है, जो आपको आपने कोई चीज परचेज करनी है तो आपको एक कस्टोडियन चाहिए, एक रिलायबल आपको एक सोर्स चाहिए जिसको आप पेमेंट दे दें, और वो बहरहाल इस पे काम हो रहा है, फिनटेक पे बड़ा तेजी से काम हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो नई हमारी गवर्नमेंट आई है वो काफ़ी इसमें पैशनेट होके काम कर रही है, असद उमर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों खुशखबरी सुनाई है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि हम पेपॉल को लेके आ रहे हैं, अल्लाह करे ये बहुत जल्दी आ जाए, उससे ये है कि इसकी ग्रोथ जो है
वो बड़ी तेजी से जाएगी। अच्छा, बाकी प्लाजा नॉर्मली हमने अब सोशल मीडिया की भी बात करें, जैसे हम फेसबुक पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिससे आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज दी जाती है, ये भी क्या ई कॉमर्स के उसमें आ रहा है? जी बिल्कुल, ये देखें अब सोशियो इकोनॉमिक दौर आ रहा है, अब सिर्फ सोशल मीडिया से लोग निकल रहे हैं। पाकिस्तान ने भी जो अभी इनिशिएट किया अपना सोशल मीडिया सोशियोन, उस दुनिया का पहला सोशियो इकोनॉमिक पोर्टल है जिसमें आप जाते हैं और जाके अपनी मार्केट प्लेस में भी जाते हैं, इस तरह आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, सोशलाइजिंग भी करते हैं। जैसे इर्मिला का अगर आपके फैन फॉलोइंग 3 मिलियन है या 4 मिलियन है, तो आपका वो 3-4 मिलियन आपका पोटेंशियल क्लाइंट भी हो सकता है अगर आप कल अपना ब्रांड लॉन्च करती हैं तो वो आपका वो सर्कल हो सकता है जो आप पे ज्यादा रिलाई करते हैं, आप वो आपकी उस सेंस को जानते हैं कि इर्मिला अगर डिजाइन करेंगी तो बहुत अच्छा डिजाइन करेंगी या इनकी ये जो एस्थेटिक सेंस है ये बहुत अच्छी है, तो आपका सबसे पहला जो पोटेंशियल बायर है वो तो वही आपका सर्कल है। सो अब जो पोर्टल आ रहे हैं मार्केट में वो सोशियो इकोनॉमिक पोर्टल आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे सोशियो इकोनॉमिक पोर्टल की तरफ पाकिस्तान ने पहला कदम रख दिया। अच्छा, तो लेट्स सी, और उसमें अच्छी बात यह है कि रैंकिंग में वो सबसे आगे जा रहा है। अच्छा, हम अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी देते हैं इंटरनेट पे, और जब हम ई कॉमर्स से कहीं भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे घपले होते हैं, क्या उसमें सेफ वे जो आपको एक नजर आए कि अच्छा आपने अगर ट्रांजेक्शन करनी भी है, क्रेडिट कार्ड अपनी डिटेल्स देनी भी है, तो क्या प्रोसीजर हो? मैं वही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक रिलायबल गेटवे की जरूरत है। बिल्कुल, जो पेपॉल की शक्ल में हो सकता है, जो पाकिस्तान में भी अभी इस पे काम हो रहा है, 2-3 कंपनीज ने इस पे इनिशिएटिव लिया है, तो उसके ऊपर जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं जो वो काम कर रहे हैं अभी, लेकिन ये हम बहुत देर कर दी हमने सिस्टम में आते हुए, बहुत देर कर, बहुत ज्यादा ट्रेंड पकड़ लिया। जी बिल्कुल, तो उस पे अब कुछ वेबसाइट्स ऐसा भी कर रही है जो आपको कैश ऑन डिलीवरी लेती है, वो ज्यादा सेफ है लोगों के लिए कि वो प्रोडक्ट जब उनके पास आती है तो वो जो कैश दे के प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उस पे लोगों ने अपने तौर पे जो इनिशिएटिव लिए वो तो लिए ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर आपके हर मिनट जो गुजर रहा है उसमें 26 एवरेज लोग इंटरनेट यूजर नए आ रहे हैं पाकिस्तान में हर आने वाले मिनट में, और आपका तकरीबन इस वक्त 65 मिलियन 6,50,00,000 लोग आपका इंटरनेट यूजर हैं, और 2020 तक आपकी ये जो तादाद है मोबाइल की वो तकरीबन 165 मिलियन हो जाएगी। तो इतना तेजी से जिस तरफ हमारी, और दूसरा जो मैंने बताया कि हमारी 30 ईयर से नीचे हम लोग 60% है, यूथ है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए जैकमा भी आ गया पाकिस्तान में, अलीबाबा उन लोगों की भी नजर पड़ गई कि ये यूथ है बहुत बड़ा। तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, अगर आप देखें तो हमारा जो वो बच्चा जो घर में बैठा हुआ है उसके लिए जो फ्रीलांस काम करने का एक उसके पास चांस है ग्लोबल विलेज में एंट्री लेने का, वो जब काम करते हैं, यहाँ बैठा हुआ एक बच्चा अमेरिका के लिए काम कर रहा है या यूरोप की किसी फर्म के लिए कर रहा है, उस बेचारे को भी इतनी हर्डल्स हैं जो आप आईटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपका फिनटेक ना होने की वजह से वो उसको पेमेंट मेथड ही नहीं होता कि वो किस से इसकी। अच्छा, इसके लिए तो गाइडेंस भी बड़ी जरूरत है, एक्सपर्टीज भी बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अगर काम खुद भी कर रहे हैं या परचेजिंग भी कर रहे हैं आपको बड़ी हेल्प चाहिए होती है। मेरा नहीं ख्याल, अभी तो इतना यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स आ गई हैं कि इवन लोग व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, वो तो ग्रुप्स बनाकर, एग्जैक्टली, हाँ वो तो लोगों ने वे तो तलाश कर लिया है कि ये एक अच्छा सिस्टम है जहाँ पे हमें इतना कैपिटल इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो करने की बात है वो ये है कि तमाम ब्रांड्स को, तमाम लोगों को, तमाम जो हमारा ऑलरेडी जो बिजनेस का तबका है उसको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए इस तरफ, वो ऑफलाइन तो काम कर ही रहे हैं, उनको ऑनलाइन मार्केट को भूलना नहीं चाहिए। तो डिजिटली वो जो लैग कर रहे हैं वो एक अपने बिजनेस का मतलब उसमें वो लैकिंग कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पे ये स्टेप लेना चाहिए और उन्हें अपने आप को फौरी तौर पे डिजिटल मार्केट में लेके आना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर वो अदारा लॉस में भी चल रहा है, मतलब एक अगर बेकरी की चेन है, अगर वो अपने आप को थोड़ा डिजिटली भी ले आएगी और थोड़ा वो ऑनलाइन की तरफ ले जाएगी, लोगों को फैसिलिटेट कर देगी, तो उसमें यह है कि उसकी सेल में भी इजाफा हो जाएगा और आने वाला, क्योंकि वक्त यह है
आंखें बंद करके अगर हम नोकिया फोन की तरह बैठे रहेंगे तो आज स्मार्टफोन हमारे हाथों में कोई और होगा, होगा। वो नहीं। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज बाकी फिलहाल सर, जो आज ई कॉमर्स जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके बारे से हमारी पब्लिक को आप देना। जी मैं बिल्कुल दो लोगों से मैं तो इस प्रोग्राम के तवसत से बात कर रहा हूँ। एक तो यूज़र है, यूज़र को बिल्कुल फ़ायदा है डिजिटल मार्केट की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ। पाकिस्तान में भी बहुत सी वेबसाइट्स आ चुकी हैं। और दूसरा जो मेरा मेन फोकस है वो तबका है जो अभी तक अपने आप को डिजिटली लेके ही नहीं जा सका इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो खुद को ई कॉमर्स की तरफ लेके आए, डिजिटल मार्केट की लेके आए, क्योंकि ये फ्यूचर है। अगर नहीं आएंगे तो टेक्नोलॉजी हमेशा से रोनते हुए आगे निकल जाती है और आप बहुत पीछे रह जाते। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बाकी फिलहाल साहब। जब ई कॉमर्स डेफिनेटली पाकिस्तान में तो एक्सेल कर रहा है, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इसको अब जो कह लें आइडियल समझा जाता है, पाकिस्तान में भी इसका रुझान बढ़ रहा है, तो सेफ यूजर बने और सेफ वेबसाइट के थ्रू ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सिक्योर है जब तक कोई प्रॉपर एक सेफ गेटवे नहीं मिल जाता। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको और भी मेहमानों से मिलवाएंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।